الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا زلة العالم ولا تقطعوه وانتظروا فيئته وقال عليه الصلاة والسلام اغدوا عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك والخامسة أن تبغض العلم وأهله وقال عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام सलाम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों भाइयों दोस्तों, हमेशा से इस्लाम दुश्मन ताकतें इस बात की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इस्लाम को और इस्लाम के मानने वालों को बदनाम किया जाए और इस्लाम के मानने वाले का ताल्लुक जो है इस्लाम से कमजोर कर दिया जाए, क्योंकि इसके बगैर हमारी इन पर कुछ भी चल नहीं सकती। सातवीं सलीबी जंग की शिकस्त के बाद उनके बड़ों ने, यहूदी नसारा के बड़ों ने इस चीज का जायजा लिया कि भाई कौन सी चीज ऐसी है इनके अंदर जिसकी बुनियाद पर हम इनसे हार जाते हैं, इनसे जीत नहीं पाते। तो तहकीक के बाद उन्होंने चंद चीजें मुसलमानों के अंदर महसूस किया, जिसमें पहली चीज यह है कि इनका ताल्लुक इनके दीन ईमान से इतना जबरदस्त है कि अल्लाह रसूल के नाम पर, दीन के नाम पर कुछ भी करने के लिए तैयार है। लिहाजा कैसे इनको इनके दीन से दूर किया जाए, इनको इनके उलमा से दूर किया जाए, इसकी तरकीब सोचनी। और मुस्लिम हुकूमतों के अंदर दरार पैदा किया जाए, इनके आपस में खलफशार पैदा कर दिया जाए, इनके अंदर मसलकी इख्तलाफात को उजागर किया जाए, इनको ग्रोहों में और जमातों में और फिरकों में बांट दिया और इनके इनको इनके उलमा से बदजन कर दिया जाए। लिहाजा आए दिन ऐसी बातें सामने आती रहती है जिससे क्या कहते हैं, जिसमें फतवा का, दारुल इफ्ता का और उलमा का मजाक उड़ाया जाता है कि जब इनकी नजर में इनके उलमा की अहमियत नहीं रहेगी तो फिर हम इनको जैसे चाहेंगे नचा लेंगे। इस बात की उनकी पूरी कोशिश है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बतलाया है कि हमारा ताल्लुक, हमारी अकीदत हमारे उलमा से जबरदस्त होना चाहिए। ये बहुत से फितने का के रोक का बहुत बड़ा जरिया है। और हमारा ताल्लुक अगर हमारे अपने उलमा से कट जाएगा, हम अपने रहनुमा से दूर हो जाएंगे, तो फिर गैर अपने मकसद में पूरे तौर पर कामयाब हो जाएंगे और हमारी दुनिया भी बर्बाद होगी और आखिरत भी हमारी खराब हो जाएगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकु ज़िल्लतल आलिम, कि आलिम की भूल चूक से बचो, लग़्ज़िश से बचो। यानी आलिम अगर किसी गुनाह में मुबतला है तो तुम उस गुनाह में मत फंसो। आलिम से अगर कोई भूल चूक हो जाती है तो ऐसा ना हो कि उसको दलील बनाकर तुम भी उस गलती में फंस जाओ और ये कहो कि मौली साहब ऐसा करते हैं तो नहीं, हम करते हैं तो काम नहीं। मेरे भाई
एक सच्चा आलिम वो है जो अगरचे उससे भूल चूक हो रही है लेकिन अगर आप मसला मालूम करेंगे तो आपको वही बात बताएंगे जो अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा है। गलत आपको नहीं बताएंगे, खुद गलती पे है ये अलग सी बात है, लेकिन अगर हम उनसे मसला पूछेंगे तो वो सही बात ही हमको बताएंगे। तो हमको भी वही काम करना है जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा है, न ये कि वो काम करना है जो हमारे उलमा गलती की वजह से किसी मजबूरी की वजह से किसी चीज में मुब्तला हो गया। इत्तकु ज़ल्लतल आलिम, के आलिम की लग़्ज़िश से उसकी चूक से उसके भूल से बचो, उसको दलील बनाकर खुद उसमें मुब्तला मत हो जाओ। वला तक्तरूहु, और दूसरी चीज ये बतलाई कि आलिम अगरचे किसी गलती में मुब्तला है उसके बावजूद भी उनसे कतई ताल्लुक मत करो, उनको मत छोड़ दो, उनसे अलग मत हो जाओ कि बहरहाल उनसे कतई ताल्लुक ही तुम्हारे दीन और ईमान के लिए नुकसान है। वंतज़िरु फयअतहु, और उनके वापस आने का इंतजार करो कि इल्म उनके पास है, एक न एक दिन वो सही रुख पर आएंगे। एक बहुत बड़ी गलती हमारी ये होती है कि हम ये कहते हैं कि जहन्नम का आग जो है ये आलिम के ही पीठ पर सुलगाया जाए। मेरे भाई दोस्तों, इससे वो आलिम नहीं मुराद है जो सही रुख पर आलिम है, सहीहुल अकीदा है, बल्कि वो आलिम मुराद है जो खुद भी गुमराह है और अपने फासिद गरज, दुनियावी गरज, खाना और नजराना की बुनियाद पर वो कौम को भी गुमराह कर रहे हैं और सही अकीदा से हटा रहे हैं, जैसे यहूद और नसारा के आलिम थे कि दुनिया के चंद फायदे की वजह से लोगों को गलत बातें बतला रहे थे दलील के साथ। आलिम भी हैं और अपने मफाद की वजह से वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये आलिम ऐसे आलिम नहीं मुराद हैं जो क्या कहते हैं दीन और शरीयत पर अमल करने में कोताही कर रहे हैं। एक मौके पे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उख्दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बन, कि तुम या तो आलिम बनो, आलिम नहीं बन सके, औ मुतअल्लिमन इल्म सीखने वाले बनो, औ मुस्तमियन उलमा की बात सुनने वाले बनो, वला तकुल खामिसता, और सुनो पांचवी जमात के आदमी मत बनना, वल खामिसतु अन तुहलिकल अन तुबग़िज़ल इल्म व अहला, और पांचवी जमात के लोग वो हैं जो इल्म और इल्म वालों से बुग़्ज़ रखे, नफरत रखे। एक मौके पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिब्राइल इस उम्मत के उलमा के बारे में तुम क्या कहते हो? उन्होंने फरमाया कि आपकी उम्मत के उलमा दुनिया और आखरत दोनों में, आपकी उम्मत के उलमा दुनिया और आखरत दोनों में चिराग हैं, खुशनसीब है वो आदमी जो इनसे मोहब्बत करे और इनके रुतबा को पहचाने, और बदनसीब है वो आदमी जो इनके मकाम को मर्तबा को ना पहचाने और इनसे नफरत करे। इसलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आलिम की जियारत मुलाकात वो ऐसी है जैसे मेरी जियारत मुलाकात, जिसने किसी आलिम की जियारत की गोया उसने मुझसे मुलाकात किया, मेरी जियारत की, और जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया वो गोया उसने मुझसे मुसाफा किया, और जिसने किसी आलिम की सोहबत में अख्तियार की, सोहबत में बैठा वो ऐसा है गोया कि उसने मेरी सोहबत अख्तियार की, मेरी सोहबत में बैठा, और जो दुनिया में मेरी सोहबत में बैठेगा मेरी सोहबत अख्तियार करेगा आखिरत में अल्लाह ताला उसको मेरी सोहबत नसीब फरमाएगा। एक मौके पे फरमाया कि जिस किसी ने किसी आलिम से मुसाफा किया वो ऐसे गोया उसने मुझसे मुसाफा किया, और मेरी उम्मत का आलिम
जिस किसी के ऊपर सहारा दिया। कभी कभी बूढ़े को जरूरत पड़ जाती है सहारा पकड़ने की, हाथ पकड़ लिया या कंधे पे हाथ दे दिया। बोले अगर आलिम उम्मत का किसी के कंधे पर सहारा दिया तो जितना कदम वो चलेगा उस पर सहारा देकर, जिस आदमी के ऊपर सहारा लगाया है उसको हर हर कदम पर एक गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा। और जिस किसी ने किसी आलिम के सर को अकीदत और मोहब्बत से बोसा दिया तो उसको हर हर बाल के बदले एक नेकी मिलेगी। लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इस वक्त एक बड़ा मसला है, क्योंकि गैरों की साजिश है कि इनको बेवकायद करके कौम में पेश करो कि ये वो तबका है जिसका समाज में कोई वजन नहीं है, और उनकी साजिश होती रहती है आए दिन, और हम भी उसके एक हद तक शिकार हैं, एक हद तक हम भी उसके शिकार हैं कि हमारा जो सलूक इस तबके के साथ होना चाहिए वो सलूक अमूमन नहीं हो रहा है। इसकी बड़ी वजह एक ये भी है कि हम उनको वो मकाम नहीं दे रहे हैं जिस मकाम के ये वाकई मुस्तहिक हैं। अब देखिए एक मोटी सी बात मैं बतलाता हूँ आपको, हमारे यहाँ लेबर क्लास का जो आदमी है, जो लेबर ही करता है, कारीगर मिस्त्री के साथ लेबर का काम करता है, उसकी यौमिया मजदूरी जो है वो कितनी है? 300 रुपये। और उसके बावजूद जिसके यहाँ काम करता है वो आदमी उसकी बहुत सी जरूरियात का और बहुत सी ख्वाहिशात का ख्याल रखता है। गुटखा ला के देता है, कोई बीड़ी पीने वाला है तो उसको बीड़ी ला के देता है, कोई खैनी खाने वाला है तो खैनी का पुड़िया ला के देता है, ये इकराम उसके साथ करता है। और उसके बावजूद भी उसकी बुकिंग रहती है, ऐसा नहीं कि 2 दिन काम किया 5 दिन खाली है, ये खाली नहीं रहता है। उस हिसाब से उसकी महीना महाना तनख्वाह जो हो जाती है वो 9000 रुपये होती है। कितनी होती है भाई? 9000 रुपये होती है। हम अपने आलिम को, अपने इमाम को, अपने मदरसा के मुदर्रिसीन को लेबर क्लास की तनख्वाह भी देना गवारा नहीं करते। 5000, 6000, 7000, 8000, 8000 बहुत हो गया। जब हमारी कौम में हमारे उलमा के साथ ये मामला होगा तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा तबका जो है इससे जुड़ना नहीं चाहेगा और इसको नीच निगाह से देखेगा। कहे पैसे का आदमी है, क्या बात करेगा, पैसे पे तोलता है। बहुत बड़ी रुकावट है उलमा की और आइम्मा की, मुदर्रिसीन की तनख्वाह का जो मेयार होना चाहिए, हम सब मिल करके उस मेयार पर उनको जो तनख्वाह नहीं देते हैं ये दीन के मामले में बहुत नुकसान की बात है, उम्मत को सोचने की बात है। कोई आदमी आलिम है, अपने बच्चे को चाहता है कि इस लाइन में रखे हम, लेकिन बाज दफा बच्चा नहीं रहना चाहता है। ये देखियो है ना, अब्बा का तो मुश्किल से काम चलो है, तो अब्बा तो कोई तरह काम चला लो यार, हमरे से वाला न है, लिहाजा वो लाइन अख्तियार नहीं करता है, दूसरी लाइन अख्तियार कर लेता है कि बहुत नुकसानदेह है। बाज दफा आदमी खुद अपने बच्चों को इस लाइन में नहीं डालता है कि ये बेचारा मुश्किल से अपनी जरूरत पूरी कर सका, हम बुढ़वा बुढ़िया को क्या देगा ये, जब खुद ही ज्यादा नहीं कमाएगा। तो ये दीन के मामले में हमारा रवैया जो है ये दीन के मामले में बहुत बड़ी रुकावट है। ये सोचने की बात है, गौर करने की बात है, बहुत बड़ी रुकावट है। बहुत से आदमी कहता है मौली साहब की तनख्वाह में बड़ी बरकत है। मेरे भाइयों दोस्तों, इंतहाई किफायतशारी, हम अपनी ख्वाहिशात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और हमारे उलमा अपनी जरूरियात पे खून के आंसू बहाते हैं, काम नहीं चल पाता है। अपना मामला ठीक है, बीवी बच्चे के साथ में है ना, जब उनकी जरूरियात पूरी नहीं होती है तो घुट घुट करके वो बर्दाश्त करके चलते हैं। हमारा जब ये रवैया इनके साथ है तो जाहिर सी बात है, क्या किसी की आह नहीं लगती है क्या? बिल्कुल लगती है। और कौम का मामला जब तक अपने उलमा के साथ इस तरह का रहेगा, इनकी बद्दुआओं से और इनकी आह से ये बच नहीं सकती।
हम लोग कुछ ही दिन पहले सुने सर्वे की रिपोर्ट क्या है भाई कि 4% बच्चे मदरसे में आते हैं मुस्लिम के, बाकी स्कूल में। जिस तरीके से स्कूली बच्चे ऊपर की तालीम पे जाते 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 कहानी खत्म हो जाती है, बहुत कम तादाद पहुंच पाती है जो आला तालीम हासिल करते हैं। इसी तरीके से मदारिस की भी सूरत हाल है कि बहुत कम बच्चे हैं जो जाकर आलिम बनते हैं, फाजिल बनते हैं, बहुत कम बच्चे। और जो आलिम फाजिल बन जाते हैं उनमें भी बहुत कम तादाद ऐसों की है जो इस खिदमत में लग पाते हैं। उनकी मजबूरी है, उनकी बहुत बड़ी मजबूरी होती है, लिहाजा वो मजबूरन दूसरी लाइन को इख्तियार करते हैं। हमारे सुलूक की बुनियाद पर दूसरी लाइन इख्तियार कर लेते हैं कि इसमें उनका काम चल नहीं रहा होता है, मजबूरन जिनको लगना है या तो दूसरे सूबों का रुख करते हैं। यही वजह है कि बिहार के बड़े बड़े आलिम, अच्छी सलाहियत के मालिक, वो बिहार में रहना नहीं चाहते हैं। कोई कर्नाटक में है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई पुणे में है, कोई दूसरी जगहों पे दूसरे सूबों में वो काम कर रहे हैं, और हमारे यहाँ के फाजिल हमारे यहाँ रहना नहीं चाहते। मसाजिद को अइम्मा नहीं मिल रहे हैं, क्या है भाई? बहुत बड़ी वजह है, हम अच्छी तनख्वाह देना नहीं चाहते, जिसकी वजह से बहुत कम पढ़ा लिखा हमारे लिए मस्जिद में इमाम मिल पाता है। 3,000, 4,000, 5,000 रुपया हम तनख्वाह का मेयार रखते हैं। कम सलाहियत का आदमी है जो काम चलाने के लायक वो रहता है। नतीजा ये होता है कि अच्छे इल्म ना होने की वजह से हमारी नमाजों की भी बुरी हालत होती है। मोटे मोटे मसाइल का पता उनको नहीं होता है, और जिनको हम इमाम बनाकर सामने पेश करते वो काम चला होते हैं। एक इमाम साहब, मैं बताऊं आपको, एक इमाम साहब ने मुझसे पूछा कि हजरत गुस्ल की जरूरत पड़ जाती है, तेज ठंडी है तो कमर से नीचे धुल करके नमाज पढ़ा देते हैं। अब आप समझिए, चूंकि आम ज़हन यही है ना, जो लोग इल्म से वाकफियत नहीं रखते हैं तो धो लेते हैं कमर के नीचे, ठंडी का टाइम है, बाद में धूप हुई तो ना ही भाई। तो इमाम साहब कमर से नीचे धुल के और नमाज पढ़ा देते हैं, क्या उनकी नमाज की हालत होगी और क्या कौम के नमाज की हालत होगी? वजह यह है कि 2,500 के इमाम साहब हैं, और हम भी चाहते हैं कि 2,500 में तो इमाम साहब मिलो, ये 10,000 कहां तो ली है, तो नहीं दीजिएगा 10,000 तो महाराष्ट्र में जाएगा यार, या बिजनेस में जाएगा। और 2,500 में आपको पता है पूरी मस्जिद के जो मुक्तदी होंगे ना, सबकी सुननी पड़ेगी, सबकी सुनकर रहने का अगर इनके अंदर है, बर्दाश्त की कुवत है, तब तो ये रह सकते हैं, और नहीं तो महीना से दो महीना में इनको या तो इमाम साहब को मस्जिद वाले छुट्टी कर देंगे, या इमाम साहब मस्जिद को छोड़ के चले जाए, मजबूर हमरे से न हो वाला का है भाई। सब आदमी घर बीवी के झगड़ा वो है तो वो की डांट सुन के आबो तो बदला लो इमाम साहब, गर्मी उतारो इमाम साहब के पास, घर तो वो बोल नहीं सकता है, इमाम साहब को सुना सकता है। इमाम साहब कुंची करी कहाँ जाए वाला मजबूर आदमी है। मेरे भाइयों, बुजुर्गो, दोस्तों, इसलिए इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और नहीं तो फिर जो साजिश है गैरों की, वो क्या हमको दूर करेंगे उलमा से, वो को क्या उलमा के वकार को गिराएंगे? हम खुद गिरा रहे हैं, हम खुद गिरा रहे हैं कि अच्छे घराने के बच्चे नहीं आना चाहते। क्यों भाई? मेरा काम इसमें नहीं चल सकता। और गरीब घराने के भी बच्चे पढ़ लेते हैं तो वो अपनी लाइन बदल देते हैं कि मेरा काम चलने वाला नहीं है। उस पर सुलूक क्या होता है? हर विभाग में हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती है, कम से कम छुट्टी होती है, जरूरत पड़ गई तो बीच में भी छुट्टी मिल ही जाती है। नागा कर दिए तो कल होके बता देते हैं कि ऐसी मजबूरी आ गई थी, पोती बेटी की तबीयत खराब हुई, घर की तबीयत, घर वाली की तबीयत खराब हुई, चल भाई चलेगा। लेकिन इमाम साहब के लिए इतना भी बर्दाश्त नहीं। हमारे यहाँ एक इमाम साहब की छुट्टी सिर्फ इस बुनियाद पर हो गई कि उनकी तबीयत खराब थी और असर मगरिब में वो पहुंच नहीं सके, तो मस्जिद के जिम्मेदारों ने एक्शन ले लिया बगैर इत्तला के आप नहीं आए। उन्होंने कहा मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि मैं कह नहीं सका, लेकिन कौन सुनेगा? बहरहाल उनकी छुट्टी हो गई। एक तो इमाम मिलते नहीं है, और कोई अगर खुलूस से काम भी करना चाहे तो कौम का ये सूरत हाल है, उनको सबका रहता है।
छुट्टी हो गया। मैंने कहा वो बोले कि नहीं हमारा बेटा को अतरा ले चला बेटा यहीं दुकान उकान को दिया से कहा जा उतर टेंशन लेबे सबका। हमने कहा नहीं भाई इसमें टेंशन की बात नहीं इसमें अज्र है और हमको बहरहाल दिन की मेहनत करनी है। अच्छी सलाहत के मालिक है बच्चों को संभालते भी बहरहाल हुआ। फिर एक दूसरी जगह उनको रख दिया कि नहीं नहीं आप नहीं जाइए इतनी उम्र में कहाँ जाइएगा। दूसरी जगह इमामत के लिए रख दिया। वो बेचारे हर जुमरात को चले आवे और जुमा को जुमा से पहले चले जाए। लोगों का एतराज हुआ सब जुमरात को चला जाए इमाम साहब। इमाम साहब सब जुमरात को घरे भाग जाए। क्या अफसोस की बात है। और नतीजा ये हुआ कि फिर उनको वहां से भी छोड़ना पड़ा कि भाई हम अब ये काम नहीं करेंगे। तो लास्ट में ये हुआ कि बेचारे दुकान करना शुरू कर दिए कि ना आप कह रहे हैं बाहर नहीं जाने के लिए तो हम यही कुछ करेंगे। अब वो दुकान कर रहे हैं। अब मस्जिद को इमाम नहीं मिल रहा है। इमाम मिला 2 महीना 4 महीना रहा चला गया। कहे भाई हम चाहते 2500-5000 के अंदर में का इमाम मिले। काम चलाओ काम चलाओ इमाम। ऐसी सूरत हाल अगर हमारी इनके साथ सलूक होगी तो फिर हमारी जवाबदेही है। हमारी जवाबदेही आखिरत में हमसे सवाल हो जाएगा और ये इंतहाई अफसोस की बात है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों इस तरफ भी ध्यान देना है। आखिर कोई तो वजह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका ये मकाम बतलाया है लेकिन हम अपने अमल से और अपने रवैये से इसमें जबरदस्त रुकावट बन रहे हैं। इस तालीम के लिए जबरदस्त रुकावट बन रहे हैं। जबकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मत की बहुत बड़ी जरूरत दुनिया में भी और आखिरत में भी एक आलिम है कि आलिम के बगैर इनके लिए खतरा ही खतरा है उम्मत के लिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। जो उलमा अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा को अपना वारिस बतलाया है कि ये मेरे जमीन पर नायब हैं। यही वजह है कि फरमाया कि जो इनसे मुलाकात करता है दुनिया में गोया उसने मुझसे मुलाकात की और जिसने इनसे मुसाफा किया गोया उसने मुझसे मुसाफा किया और जो इनकी सोहबत में बैठा गोया वो मेरी सोहबत में बैठा और जो दुनिया में मेरी सोहबत में बैठेगा कल आखिरत में भी अल्लाह पाक उसको मेरी सोहबत नसीब फरमाएंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम इस तरफ भी ध्यान दें इनकी जरूरियात का ख्याल करके इनकी तनख्वाह का मेयार अच्छा से अच्छा रखें। आज अगर अच्छी तनख्वाह हो जाए तो जिस तरीके से दूसरी चीजों में लोग मुकाबला करके जाते हैं कंपटीशन का दौर है इस इमामत के लिए भी लोग मुकाबला करके आएंगे और हमारे अइमा हजरात भी अच्छी सलाहियत के मालिक होंगे। अइमा हजरत मुफ्ती और आलिम बेहतरीन आलिम मिलेंगे आपको कि किसी का कोई भी मसला होगा हल होगा नहीं तो खुद गुमराह होंगे और आपको भी गुमराह करेंगे। एक तो वैसे ही बहुत कम तादाद है जो मदारिस की तरफ रुख करती है और इसके लिए बहुत बड़ी रुकावट हम बने हुए हैं कि हम उनके साथ ऐसा सलूक करते हैं और मजीद इनसे उम्मीदें ऐसी रखते हैं कि इनका इस्तेमाल भी करना चाहते हैं और इनको मैं खुद आपको बताऊं बहुत सी जगहों पे मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ दावत पे। कैसी भाई दावत पे यानी बुलाया गया कि मेरे यहाँ प्रोग्राम है और यह जरूरत है शादी का मौका है या कोई भी मौका है तो बाहर ठीक है आते हैं अरे जरूर आइए तो आइए तो जरूर लेकिन मैं बताऊं तकरीबन 20 जगहों पे मैं गया हूँ जहाँ मुझे बुलाया गया बयान करने के लेकिन 3-4 जगह ही पर ऐसा इत्तेफाक हुआ कि किराया भाड़ा दिया गया नहीं तो सलाम करके वालेकुम सलाम दुआ की दरख्वास्त इतना भी गवारा नहीं हुआ ख्याल नहीं हुआ कि कम से कम ये अपनी गाड़ी से आए हैं पेट्रोल ही डाल दो 1 लीटर या कभी ऐसा भी हुआ कि सवारी से गए दूसरी सवारी से तो कोई छोड़ दे भाई बस स्टैंड ही छोड़ दो टेम्पू वाले को क्या कहते हैं किराया दे देना जी नहीं बाद दफा ऐसा भी इत्तेफाक हुआ कि बुलाने पे गए और प्रोग्राम चला 11:30-11:12 बजे तक और बीच में नौबत नाश्ते की भी नहीं आई और भूख बर्दाश्त होता नहीं। अब 12 बजे खाना खाया सोया आराम किया और सुबह में चल रहे हैं रुक जाते नाश्ता करके जाते ना
अब नाश्ता होगा 8-9 बजे, अब हम नाश्ता करके आए और तब अपना काम करें। नहीं नहीं जरूरी है जाना, हाँ ठीक है, तो दुआ की दरख्वास्त बस हो गया। यार किराया भाड़ा दे दे दो ना कम से कम। वो तो ठीक है, कॉल पे हम आ जाते हैं, इसका मतलब दूसरे उलमा के साथ भी यही सलूक होता होगा। मजबूरन उनको माजरत करनी पड़ती है कि पॉकेट खिलाव नहीं करता है तो ना मशगूली है, नहीं आ सकेंगे, कहीं देख लीजिए। कहीं 5,000-7,000 हम इनको तनख्वाह देंगे, ओके बाद अगर इस तरह के तकाजे महीने में एक भी अगर पूरा करे तो बताइए मुश्किल होगा कि नहीं होगा? बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों जरूरत इस बात की है कि हम इस तरफ ध्यान दें और अपने मदारिस के मदरसीन की तनख्वाह मेयारी रखें, अपने इमाम की तनख्वाह मेयारी रखें। जिस तरीके से हम मदरसे की तामीर और मस्जिद की तामीर और दीगर चीजों के लिए फिक्र करते हैं, इनकी तनख्वाह के लिए भी फिक्र हो और नुक्ता चीनी से हम बचे। कोई भी आदमी खाली नहीं है, लेकिन उलमा पर उंगली उठाना लगता है कि बाप रे बहुत बड़ा काबिल आदमी है। इसलिए इससे बचे, दरगुजर का मामला करें, अच्छा सलूक करें। कमी कोताही किसके अंदर नहीं है? अंबिया अलैहिस्सलाम कमी कोताही से नहीं बच सके। यही वजह थे कि हमारे अब्बा जान भी जन्नत से निकाले गए। हो गई चूक, जब उनसे चूक हो सकती है तो उलमा से क्यों नहीं हो सकती है? इसलिए तो पाक ने फरमाया इत्तकुज़ल्लतल आलिम, उलमा की चूक से बचो। ऐसा ना हो कि लेके एकदम ढिंढोरा फिरते फिरो, मौली साहब हो के ऐसा करके, मौली साहब हो के ऐसा। यार वो भी तो इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है, उनसे भी गलती हो सकती है। हाँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनको बिल्कुल समाज में जलील कर दिया जाए। नहीं, उनके सुधार की फिक्र हो, उनके लिए दुआ हो। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं अब्दुल्ला अंदलुसी रहमतुल्लाह अलैह, उनका वाकया तकरीबन उलमा या पढ़े लिखे हज़रात जानते हैं कितनी बड़ी गलती उनसे हुई। लेकिन कौम ने उनको छोड़ नहीं दिया, उनको छोड़ नहीं दिया, उनके लिए दुआ की, उनसे मुलाकात करते रहे। और मुर्तद होने के बाद 1 साल के बाद फिर ईमान में दाखिल हुए और फिर कौम ने लाकर उनको मिंबर पर बिठाया। कौम का इम्तिहान था। और आज थोड़ी सी गलती किसी मौली साहब से हो जाए, बाप रे बाप, तिल का पहाड़ बना देते हैं और इस हद तक पहुंचा देते हैं कि वो आदमी इस लाइन को छोड़ने पे मजबूर हो जाता है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, हदीस में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ताकीदें फरमाई है, जो मकाम दिया है इनको, इनके मकाम का ख्याल किया जाए। कोई भी आलिम अगर कोई गलती कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उनकी इहानत करें। कुरान शरीफ है, किसी वजह से मिसप्रिंट हो गया, गलत छप गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनको नीचे हम पटक दे और लात से मारे। ईमान का खतरा है, फिर उसकी तिलावत नहीं करेंगे, उसके मुताबिक चलेंगे नहीं, लेकिन बहरहाल फिर भी उसको आंखों से लगाएंगे, सीने से लगाएंगे, ऊंची जगह पे रखेंगे। इसी तरीके से किसी आलिम से अगर गलती हो गई तो उनकी पैरवी नहीं करेंगे हम, लेकिन बहरहाल उनका एहतराम करेंगे कि अल्लाह पाक ने उनको जो आलिम बनाया है, ये मकामी उनका ऐसा है जिसकी बुनियाद पर हमारे लिए वाजिब है कि हम उनकी इज्जत करें। जैसा कि वालदैन के बारे में हज़रत आनी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि किसी को अल्लाह ने किसी का बाप बना दिया है तो ये बाप होना ही उसके मर्तबे को बढ़ा दिया। ये बेटा अफसर बन जाए, बाप किसान मजदूर रहे, फिर भी वो बाप ही है, और बेटा को बाप मान के चलना पड़ेगा और उसकी खिदमत, उसके साथ अच्छे सलूक का ऊपर से हुक्म है कि अगर उसके साथ बदसलूकी किया तो इसकी आखिरत भी बर्बाद, इसका दुनिया भी। इसी तरीके से अगर आलिम है तो वो जैसे हो, उनका मामला उनके अल्लाह के साथ है। हमारे लिए ये है कि हम उनकी बेहरमती नहीं कर सकते, वरना हमारे ईमान के लिए खतरा है, हमारे ईमान के लिए खतरा है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह का वाकया है, उनके इंतकाल के बाद उनको एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा, पूछा कि हजरत क्या मामला हुआ? उन्होंने कहा कि भाई मैं बहुत डरा हुआ था, अल्लाह पाक ने मुझसे पूछा अहमद क्या चाहते हो, तो मैंने कहा कि या अल्लाह बस बख्शिश चाहता हूँ और कुछ नहीं, मेरी माफी हो जाए। तो अल्लाह पाक ने कहा अहमद अगर तुझे माफ करना नहीं मंजूर होता, मुझे अगर मुझे मंजूर होता तुझे अजाब देना, तो मैं अपना इल्म तुमको नहीं देता। मैंने तुमको आलिम इसलिए बनाया है कि मैं तुझे इकराम करना चाहता,
तेरे मकाम को मैं बढ़ाना चाहता था, इसीलिए मैंने तुझे आलिम बनाया। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक जिसके साथ भलाई का इरादा करते हैं उसको दीन की सूझबूझ अता फरमाते हैं, उसको अपना इल्म अता फरमाते हैं। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, हम सब नियत करें इंशाल्लाह कि अब तक जो कमी कोताही हो गई हो गई, आइंदा हम ऐसी किसी चीज में मुलविस ना हो जिसमें किसी आलिम की तजलील हो, कि हम उसके जवाबदेह बन जाए, कि हमसे सवाल किया जाए तुमने ऐसा क्यों सुलूक किया। अल्लाह पाक हम लोगों को कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जिनकी सुन्नत बाकी बाद में पढ़ी, सुन्नत पढ़ ले फिर इंशाल्लाह।